हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा किस सिक्स सेंस एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है ईसुल सो रहे थे, उसकी नींद खुलती है और वो देखती है वो एक होटल के रूम में थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे रात की बातें याद आ रही थी, तभी वहाँ पे मिन्हो आता है, उसके लिए एक ड्रेस लेके आया था। वो बोलता है चेंज कर लो, हमें ऑफिस जाना है। फिर वो पूछती है क्या आपको सब कुछ याद है, कल क्या क्या हुआ। वो बोलता है हाँ, क्योंकि तुम ही सिर्फ ड्रंक थी, मैं ड्रंक नहीं था। फिर वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है। ईसुल और मिन्हो लिफ्ट में चढ़ते हैं, साथ में पिल्लियो भी आता है। पिल्लियो उन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, फिर बोलता है शायद आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा रहता है ना, इसीलिए इतने सुबह सुबह एक साथ। फिर वो दोनों से बात करता है, मिन्हो उससे बात करता है लेकिन ईसुल उसे भाव नहीं देती है। फिर सियोंग ताएक उन दोनों को एक साथ देख के गलत सोचता है। फिर वो दोनों बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ से चले जाते हैं। फिर होबो आती है, इसका मतलब वो दोनों आज साथ में थे। और फिर दोनों खाना खा रहे थे, वहाँ पे होबो बोलती है क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे, बस 7 दिन के लिए, मैं कोई भी काम बस 1 वीक ही करती हूँ। वो फिर मान जाता है। ऑफिस में इमोजी पूछती है क्या तुम कल रात पिल्लियों के साथ थी, वो बोलती है नहीं। फिर वो पूछती है तो तुम कहाँ गई थी, वो बोलती है गई थी कहाँ पे। फिर वहाँ पे मिन्ही आती है और बोलती है वाओ, तुमने लीजा ब्रांड का कपड़ा पहना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेरी पूरी सैलरी में भी नहीं आएगी। लीसा स्टोर पे जी यंग जाती है, ओनर आके बोलती है पता है आज मिन्हो आया था, शायद तुम्हारे लिए ड्रेस लिया है उसने। वो बोलती है हाँ, उसने तो मेरे लिए ही लिया है। वो हैरान होती है पता नहीं किसके लिए ड्रेस लिया है। फिर वो ओनर बोलती है लेकिन मुझे तो तुम्हारा साइज़ पता है, लेकिन वो कोई दूसरा साइज़ था। वो बार बार बोलती है नहीं, मिन्हो ने मेरे लिए ही लिया है। वो बार बार बोलती है नहीं नहीं, मिन्हो ने कोई दूसरा साइज़ लिया है। फिर जी यंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है आज से मैं शॉप में आऊंगी ही नहीं। मीटिंग शुरू होती है, कार का ऐड था तो लोग सजेस्ट कर रहे थे कि कार में रोमांस दिखाया जाए, रोमांस बहुत अच्छा रहता है कार में। सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कार में ये हुआ वो हुआ। मिन्हो और ईसुल बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। मिन्हो बोलता है नहीं, ये आइडिया नहीं चलेगा, अच्छा आइडिया लाना। फिर मीटिंग ख़त्म हो जाती है। फिर ईसुल आती है मिन्हो के ऑफिस में, बोलती है मुझे पता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, मैं तुम्हें प्रूव करूँगी देखना। वो बोलता है ठीक है। फिर वो बोलती है ऑफिस के बाद मुझसे मिलना, वो बोलता है ठीक है। फिर वो बोलता है बाय द वे ईसुल, तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा है, तुमने कब से परफ्यूम लगाना स्टार्ट किया है। वो बोलती है नहीं, मैं तो कभी भी परफ्यूम यूज़ ही नहीं करती हूँ। वो बोलता है नहीं, उस बिली एड यानी कि बेड एड के बाद से ही मुझे ये स्मेल आती है तुमसे, और ये बहुत ही अच्छी स्मेल है। वो बोलती है तुम पागल हो गए हो। फिर वो चली जाती है। फिर मिन्हो बोलता है लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि मैंने उसे किस किया फिर भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर वो सियंग ताएक को कॉल लगाता है और बोलता है क्या तुमने मेरी मेडिसिन चेंज कर दी है, वो बोलता है नहीं। फिर मिन्हो बोलता है लेकिन मेरी तबीयत ठीक कैसे हो गई इतनी जल्दी, वो बोलता है क्यों क्या हुआ। फिर मिन्हो को याद आता है कल जब उसे किस किया था उसने, फिर ईसुल बेहोश हो गई थी। फिर वो ईसुल को बहुत ही मुश्किल से उठा के बेड तक ले जाता है और बार बार बोल रहा था ये कितनी भारी है, क्या मैं इसे रास्ते में ही छोड़ दूँ। और तब उसने सनग्लासेस भी लगाए हुए थे और साथ में उसने हेडफोन भी पहना हुआ था। उसकी तबीयत खराब थी, थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत एकदम नॉर्मल हो जाती है। मिन्हो ईसुल को देख रहा था और बोल रहा था तुम आम नहीं हो मेरे लिए, तुम स्पेशल हो। फिर मिन्हो और ईसुल मिलते हैं स्टोर रूम में। फिर ईसुल मिन्हो के हाथ में बार बार किस करती है और उसका फ्यूचर बोलती है। बोलती है सियोंग ताएक तुम्हारे घर पे आने वाला है किसी लड़की के साथ, और वो बोलता है हाँ तो वो मेरा फ्रेंड है इसीलिए आएगा। फिर वो बोलती है फिर तुम दोनों के बीच फाइट होगा, सियोंग ताएक की नोज ब्लीड करेगी, फिर तुम और मैं कहीं पे घूमने जाएंगे, मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये देश है या फिर कोई दूसरा देश
डिश है, वो डेजर्ट है या फिर क्या है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल थी जो उड़ रही थी और हमारे पास ही एक कार बहुत ही तेजी से चल रही थी। फिर वो बोलती है मैं गिरने वाली थी, तुम मुझे पकड़ते हो और तुम्हारा फोन गिर के टूट जाता है। होबो और सियोंगताई कॉल पे बात कर रहे थे एकदम लवी डबी कपल की तरह। फिर वहाँ पे आती है ईसुल और वो फोन फेंक के ऐसे ही ड्रामा करने लगती है। फिर वो पूछती है तुम किससे बात कर रही थी, वो बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड एक हफ्ते के लिए। फिर ईसुल पूछती है उसका नाम क्या है, वो नहीं बताती है उसे। पिल्लियो मिन्हो से मिलने आता है, दोनों बात कर रहे थे। पिल्लियो बोलता है मुझे मैनेजर चाहिए, वो बोलता है किसे। फिर पिल्लियो बोलता है ईसुल को। फिर मिन्हो बोलता है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाली है क्योंकि वो पीएम है, मैं तुम्हारा मैनेजर बन जाऊंगा। पिल्लियो आके पूरे टीम से मिलता है और सबकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है, सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा डायरेक्टर था। और वो ईसुल से भी मिलता है, हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन ईसुल को पास्ट की बातें याद आ रही थी कि पिल्लियो हैंडशेक करने के बहाने हमेशा उसका हाथ पकड़ लेता था और छोड़ता ही नहीं था। प्रेजेंट में ईसुल की हार्टबीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई थी और मिन्हो को परेशानी हो रही थी वो सुन के। मिन्हो ईसुल को बोलता है तुम्हारी हार्टबीट ना आजकल बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रही है, कुछ करना। वो हैरान हो जाती है। फिर मिन्हो बोलता है ये ना प्रोफेशनल काम है, तो अपना पर्सनल लाइफ थोड़ा सा दूर रखना, तुम्हारा पास्ट आएगा अगर अंदर तो तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगी और उसके लिए अभी भी तुम्हारी बहुत ज्यादा फीलिंग्स है ना। वो बोलती है नहीं नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। मिन्हो बोलता है मुझे सब कुछ पता है, तुम अगर ऐसा ही करोगी ना तो तुम्हें ना पीएम से मैं हटा दूंगा। ईसुल अपने फेवरेट प्लेस में आए थी, वहाँ पे पिल्लियो आता है और बोलता है मुझे पता था तुम यहाँ पे ही होगी, तुम जब भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हो, सैड होती हो या फिर खुश होती हो तुम यहाँ पे ही आती हो और हमेशा हम दोनों एक साथ आया करते थे। ईसुल बोलती है तुम किस जमाने में जी रहे हो, बहुत साल हो गए है ब्रेकअप के और अब तुम ये सब बात बोल रहे हो और ये प्रोफेशनल काम है तुम्हारे साथ मेरा, यहाँ पे ना पर्सनल लाइफ मत लाओ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो बोलता है तुमने जो तोड़फोड़ की थी ना मेरे स्टूडियो में, बहुत मिलियन खर्च हो गए थे मेरे। वो बोलती है क्या तुम्हें पैसे चाहिए, वो बोलता है नहीं बस 3 डेट चाहिए, तुम बस मेरे साथ 3 डेट पे चलो, मैं इसी में खुश हूँ। और तुम्हें याद है ना यहाँ पे हमने क्या लिखा था, जब मुझे अवार्ड मिलेगा इंटरनेशनल अवार्ड तब मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा शादी के लिए, तुम्ही ने मुझे बोला था। देखो तब से मैं अपने पॉकेट में ये रिंग लेके घूमता हूँ कि मुझे तुम्हें ये देना है। ईसुल कुछ भी आंसर नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है होबो और सियोंगताई को, वो दोनों डेट पे आए थे, वो दोनों शॉपिंग करते हैं, कपल टी शर्ट पहनते हैं, फिर एक साथ खाना आते हैं बहुत ही रोमांटिकली, फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं, एक साथ घूमते हैं और हर बार होबो टिक मार रही थी क्या क्या उसने कर लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर दोनों बाय बोलते हैं लेकिन एक दूसरे को दोनों छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर से वो दोनों एक साथ चले जाते हैं। ईसुल अपने मॉम से कॉल पे बात कर रही थी, वो पूछती है आपकी शादी की तैयारी कैसी चल रही है, वो बोलती है ठीक ठाक है, क्या तुम नहीं आ रही हो, वो बोलती है शायद नहीं आ पाऊँ लेकिन मैं आपके लिए खुश हूँ। फिर वो पूछती है तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, क्या कोई बॉयफ्रेंड बना, वो बोलती है अरे मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तो पता ही है मैं बस काम ही करती हूँ। फिर दोनों अच्छे से बात करते हैं। ईसुल फिर बोलती है मॉम आपको बहुत कुछ बताना है, मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो बोलती है ठीक है। सियोंगताई और जियांग आए थे मिन्हो के अपार्टमेंट में और दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक थे। मिन्हो उन्हें डांटता है, बोलता है मैं तो अपना पासपोर्ट ही चेंज कर दूंगा। वो दोनों बोलते हैं तुम बहुत बुरे हो, ऐसे मत करना, हम तुम्हारे घर में आ ही सकते हैं। और दोनों ही बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। सियोंगताई होबो के बारे में बात कर रहा था और जियांग बात कर रही थी मिन्हो के बारे में कि वो दोनों कितना प्यार करते हैं अपने लवर से। फिर मिन्हो अंदर चला जाता है, फिर पीछे पीछे जाता है सियोंगताई और सियोंगताई बोलता है मैं आज
तुम्हारे साथ सोऊंगा। मिन्हो उसे हटाने के लिए लात मारता है, वो जाके वॉल से टकराता है, फिर उसकी नोज ब्लीड करती है। और ये सब देख के बहुत ही हैरान हो गया था मिन्हो, क्योंकि ये सब पहले ही बताया था ईसुल ने। जियांग को मिन्हो के रूम से एक लिपस्टिक मिलता है, उसे याद आती है कि ये लिपस्टिक और किसी की नहीं ईसुल की है। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है ये देख के। फिर वो मिन्हो से पूछती है, क्या तुम और ईसुल बहुत क्लोज हो? वो बोलता है, क्यों, ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? वो बोलती है, नहीं बस ऐसे ही। पिल्लियो ने होबो को मिलने बुलाया था, वो बोलती है, अगर ईसुल को पता चलाना कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ वो तो मुझे मार ही डालेगी। पिल्लियो बोलता है, ऐसे मत सोचो, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे ना उससे पैचअप करना है फिर से। वो बोलती है, वो कभी भी नहीं मानेगी। पिल्लियो बोलता है, उसे मानना होगा, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। होबो बोलती है, ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। होबो ईसुल के पास आती है और बोलती है, अगर तुम्हें मौका मिले, अगर तुम पिल्लियो को सब कुछ बता सको कि तुम फ्यूचर देख सकती हो और तुमने देख लिया था कि तुम दोनों का ब्रेकअप होने वाला है, तब अगर वो सब कुछ भूल जाए क्या तुम उससे पैचअप करोगी? वो बोलती है, नहीं, मुझे फिर से उसके साथ नहीं जाना है, सब कुछ बस सेम ही रहेगा। पिल्लियो शूट से पहले एक टेस्ट ड्राइव चाहता था और ईसुल के साथ ही उसे कार चलाना था। फिर पीछे जाके ईसुल बैठती है, वो बोलती है, प्लीज़ तुम सामने आ जाओ। वहाँ पे मिन्हो आके बैठता है। मिन्हो बोलता है, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ ना, इसीलिए मैं आया हूँ और मैं कार चलाऊँगा तुम्हारे लिए। फिर वो बहुत ही धीरे से कार चला रहा था। पिल्लियो बोलता है, मुझे चलाने दो। वो बहुत ही फास्ट कार चलाता है। एक जगह पे वो दोनों रुके हुए थे और पिल्लियो कार चला रहा था। फिर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी और वहाँ पे ही वो दोनों समझ जाते हैं, यही देखा था ईसुल ने। ईसुल बोलती है, देखो मैंने तुम्हें बोला था। पिल्लियो ईसुल के पिक्चर्स ले रहा था, ईसुल उसे मना करती है। वो बोलता है, प्लीज़ तुम इस बार मान जाओ, फिर से तुम्हें नहीं रुलाऊंगा। वो बोलती है, क्या तुम भूल गए हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वो बोलता है, हाँ मैं भूल गया हूँ, इस बार मैं यहाँ पे तुम्हें डेट करने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे मुझे शादी करनी है, प्लीज़ तुम मेरे साथ 3 डेट पे चलो, मैं तुम्हें जीत लूँगा इस बार। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, मैं हमेशा उस रिंग को लेके घूमता हूँ, मुझे तुम्हें देना है। और ये सब सुन रहा था मिन्हो। फिर वहाँ से ईसुल जाने लगती है और ईसुल किसी चीज़ से टकरा के गिरने वाली होती है और वहाँ पे मिन्हो आके उसे बचा लेता है और मिन्हो का फ़ोन गिर जाता है और टूट जाता है। कार में मिन्हो ये सब सोच रहा था कि ईसुल ने जो जो बोला था वही वही हुआ है। मिन्हो ईसुल को बोलता है, मुझे तुम पे विश्वास है, मैं समझ चुका हूँ कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। वो बोलती है, थैंक यू मुझ पे विश्वास करने के लिए, मुझे लगा था कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। फिर मिन्हो पूछता है, क्या था फ्यूचर, हमारा फ्यूचर कैसा था, मुझे भी सुनना है। वो बोलना स्टार्ट करती है। फिर वो बोलती है, तुम ही सोच के देखो, हम दोनों के बीच क्या कभी भी हो सकता है, मुझे पता है तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं करोगे। मिन्हो बोलता है, किसने बोला कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ? फिर वो बोलता है, तो अच्छा, हम दोनों बस इंटीमेट हुए थे, है ना, तो चलो आज ही हम इंटीमेट होते हैं। वो बहुत ही हैरान हो जाती है और मिन्हो बोलता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वहाँ पे जियांग आती है और बोलती है, क्या कंडीशन है? ईसुल और मिन्हो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होती है, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।